धार जिले के पीथमपुर में एक ढाबे पर पीथमपुर राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई सोमवार दोपहर देखने को मिली। जानकारी के अनुसार पीथमपुर के सागर कुटी में बाल मुकुंद सिंह गौतम की संपत्ति पर राधे राधे ढाबा संचालित किया जा रहा था, जहां कई समय से अवैध शराबें परोसी जा रही थी। लिहाजा मामला सामने आते ही सीएसपी बघेल के राडार पर बाल मुकुंद सिंह गौतम का नाम और अवैध शराब की बढ़ती शिकायतें इस बड़ी कार्रवाई की मुख्य वजह रही। सीएसपी बघेल के अनुसार कांग्रेस नेता बाल मुकुंद सिंह गौतम के विरुद्ध नामजद 20 से अधिक प्रकरण अलग अलग थानों में दर्ज हैं, जिसमें मारपीट, जान से मारने के प्रयास और तमाम मामले हैं। गौतम का नाम गुंडा लिस्ट में भी था। बताते चले कि उक्त कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत मानी जा सकती है, और वहीं पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को सफेदपोश माफिया पर हुई कार्रवाई का नाम दे रही है। इस पूरी कार्रवाई के बाद जिले की सियासत में काफी गहमागहमी देखी जा रही है। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। जो अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है, किस हिसाब से? क्या बताना मुझे होगा, ये जो राधे ढाबा के विदाउट परमिशन के ये जो ढाबा बनाया गया था, और उसी के साथ में जांच उपरांत की कार्रवाई की गई। आपका नाम और पता? सत्यनारायण दलू, SPM था। बताइए सर, ये जिस तरह से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है, क्या है सारा मामला? विधि की मध्य प्रदेश शासन जिला प्रशासन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई बराबर करती जा रही है, और उसी के तारतम्य में ये जो ढाबा संचालित किया जा रहा था उसमें अवैध दारू बिकती थी, और जनता को बहुत ज़्यादा इसमें शिकायत थी, उसी के तहत ये ढाबा ढहाया गया। सर, कोई नाम सामने आया है किसका ढाबा था, कौन संचालक? ये रिकॉर्ड के अनुसार बाल मुकुंद गौतम का है। उसके विरुद्ध 20 अपराध पंजीबद्ध है विभिन्न थानों में, और जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास और मारपीट, कई कई मामले पंजीबद्ध हैं, और जिसके तहत ये गुंडों के अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। बताया माना जा रहा है सर, पीथमपुर की तीसरी बड़ी कार्रवाई है, और आपकी भयमुक्त पीथमपुर की थीम के तहत ही ये कार्रवाई मानी जा सकती है? पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र है, इसको भयमुक्त क्षेत्र घोषित करना है, किसी को भी यहाँ पर अपने नहीं दिया जाएगा। आपका नाम और पद बताइए। कमलेन सिंह बघेल, CSP पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।